आज आदरणीय सांसद राज्यसभा सुशील गुप्ता जी और हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर दुष्यंत जी का और केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही पल में रोड शो के लिए वो यहाँ पधारने वाले हैं और मैं मानता हूँ कि आज का ऐतिहासिक रोड शो जो है ना केवल इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक होगा बल्कि हरियाणा की राजनीति के अंदर अपने आप में एक मेमोरेबल रिमार्केबल मोमेंट होगी जो हरियाणा की राजनीति को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना यहाँ से मिलता पत्थर साहब। रोड शो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ से शहर में जाएगा, शहर में से होते हुए गन्नौर की तरफ और आगे फिर पानीपत और फिर करनाल और फिर कुरुक्षेत्र में जाकर इसका समापन। बीजेपी के नेता कह रहे हैं उत्साह सैकड़ों की संख्या में हर पॉइंट पर लोग इकट्ठे हुए हैं जनाब है। और वहाँ पर इकट्ठे होकर स्वागत अपने नेताओं का। वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल के रोड शो का सोनीपत में कोई असर होने वाला नहीं है, क्या कहना चाहते हो? विरोध में विपक्षी पार्टियाँ सारी बातें कहती हैं, वो जायज भी है उनका कहना, मगर आज इस रोड शो के बाद आप देखेंगे कि असली मायने में इस लोकसभा क्षेत्र की हवा जो है बदल जाएगी। शहर का व्यापारी और कमेरा वर्ग केजरीवाल जी को अपने दिल में बसाता है और केजरीवाल जी उस वर्ग के हितों की जो है ना रक्षा के लिए निरंतर लड़ते आए हैं और उनकी कही हुई एक एक बात तोल तराजू कर लोग उसके साथ इंसाफ करेंगे और न्याय करेंगे। चलो जी, धन्यवाद। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे आपकी एक गीत लगवा देंगे जो थोड़ा शानदार काम करके दिखाया है, वही सपना
हमारे बीच में अरविंद केजरीवाल जी और तमाम साथीगण आपसे यही विनती और प्रार्थना करने आए कि जिस प्रकार से 10 साल तक कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने सोनीपत को बर्बाद करने का काम किया, लूटने का काम किया, आज गठबंधन के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के पक्ष में एक एक वोट गठबंधन और चैनल का बटन दबा कर निकालने का काम करे। साथियों, सोनीपत की धरती में जिस तरीके से लूटा गया, बर्बाद किया गया, आज सोनीपत वासियों के पास मौका है कि एक ओर पर तो कड़ी कांग्रेस है और वही दूसरी ओर पर हमारे बीच में जात पात का जहर घोलने वाली बीजेपी है। इस बार मौका है एक वोट से इन लोगों को जवाब देने का काम करो। वही एक मजबूत साथ को हरियाणा प्रदेश में युवा नेतृत्व देने का काम करो। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथी जहाँ पूरा दिन साथ चलेंगे वही कमर कसकर अगले 10 दिन दिन रात एक करके अपने गठबंधन को और मजबूत करके सोनीपत में दिग्विजय सिंह और भाई मोहम्मद से जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद।